सिक्योरिटी फोर्सेस का बलूचिस्तान के इलाके काहान में खुफिया इतलात पर क्लियरेंस ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान बारूदी सुरंग के धमाके में एक अफसर और चार जवान शहीद हो गए। इमरान खान ने कहा है कि जब दो असेंबलियां टूटेंगी तो इलेक्शन करवाना पड़ेगा। फौरी असेंबलियां इसलिए नहीं तोड़ी कि इत्तेहादियों को मनाना था। सहाफियों से गुफ्तगू में एक बार फिर इसरार किया कि उन्हें लगता है कि अप्रैल में इलेक्शन होने जा रहे हैं। असेंबलियां तहलील होने के बाद इलेक्शन ताखीर का शिकार हुए तो हमें फिर भी फर्क नहीं पड़ता। पंजाब असेंबली में 11 जनवरी से पहले एतमाद का वोट ले लेंगे। एस्टेब्लिशमेंट से कोई राबता नहीं। वफाकी वजीर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि एक जालिम और मोहसिन कुछ शख्स आज जनरल बाजवा को गालियां दे रहा है। कहता है कि नैब जनरल बाजवा के कंट्रोल में थी। बताया जाए कि किसकी फरमाइश पर शरीफ खानदान और ख्वाजा आसिफ को कैद किया गया। सियालकोट में खिताब करते हुए कहा कि इमरान खान के टब्बर ने तोहफे तक बेच डाले। कोई बईद नहीं कि बाद में सारा इल्जाम अपनी मुर्शिद बीवी पर डाल दे। और पाक न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज का पहला मैच कल से कराची में शुरू होगा। नेशनल स्टेडियम में ट्रॉफी की रोनुमाई। कप्तान बाबर आजम ने कहा कि फाइनल 11 का फैसला चीफ सिलेक्टर के मशवरे से करेंगे।